हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का जो मेरा व्लॉग है वो कोई थीम सेट नहीं है। आज मैं आप सबको ज्यारत करवाऊंगा अल्लाह के वली शाह शम्स तब्रेज का, जिनका नाम सबने सुना है, ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग उन्हें जानते हैं, बहुत ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। हर कोई चाहता है कि वो इस दर पे आए, यहाँ पे दुआ मांगे, यहाँ पे दो नफल अदा करे, यहाँ पे मन्नत उठाए, पर लोग मुख्तलिफ शहरों से बहुत दूर दूर से बहुत कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना अक्सर, वो बचपन में मैंने अपने नाना से एक कहावत सुनी थी कि मेरी जान, अगर ऐसे किसी दर पे जाना हो ना, जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तो आप किसी दर पे जाओगे, अगर आपका दिल साफ है, अगर आपकी नीयत साफ है तो आपका बुलावा होगा। सबसे ज्यादा जरूरी होता है इधर बुलावा आपकी नीयत। खैर, नीयत तो वो अब खुदा बेहतर जानता है, दिलों के राज तो कहते हैं ना कि अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैं आज मुल्तान से ही हूँ, आप सबको पता है। तो आज मैं आप सबको शाह शम्स तब्रेज की ज्यारत करवाऊंगा, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और उनकी जगहें दिखाऊंगा कि वो कहाँ पे हैं, वो कैसे हैं। आए, मैं आप सबको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये हम पहुंच गए हैं। जब आपको ये शॉप्स और ये अलम नजर आए ना, समझिएगा कि आप पहुंच गए। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये हम जिस रोड पे खड़े हैं, यही रोड शाह शम्स रोड कहलाती है। ये जो आप शॉप्स देख रहे हैं, ये शॉप्स, ये जो आपको स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, इन्हीं स्टॉल्स पे तबर्रकात मिलते हैं, चादरें मिलती हैं, फूल मिलते हैं जो लोग आगे जाके चढ़ाते हैं। ये सामने आपको देखिएगा, अभी आपको गुंबद नज़र आएगा, यही हज़रत शाह शम्स का दरबार है, यही उनका मज़ार है। ये आपको अभी आगे चल, हाँ जी व्यूवर्स, तो अब साथ साथ दरबार की तरफ चलते हैं। मैं आपको ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता चलूँ कि हज़रत शाह शम्स, जिन्हें दुनिया जानती है, आपका पूरा नाम हज़रत शमशुद्दीन तब्रेज़ी सब्ज़वारी है, ज़माना आपको शम्स तब्रेज़ के नाम से जानता है। आपका शजराए नसब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलता है। आप लाल शहबाज कलंदर के कज़न भी हैं। आपके दादा ने आपके वालिद से कहा था कि अनकरीब आपको एक बेटा होगा जिसका फैज़ पूरी दुनिया में चमकेगा, उसका नाम शम्स रखना। हाँ जी व्यूवर्स, ये सामने आपको गुंबद नज़र आ रहा है, ये देखें, ये लिखा हुआ भी है कि ये मज़ार हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ सब्ज़वारी का है, जो लॉकडाउन की वजह से बंद है। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि ये बंद होगा, लेकिन आपको पता है जहाँ ज़ाहिरीन इतने ज़्यादा बढ़ जाएं वहाँ पे SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन इंशाल्लाह जब भी मज़ार ओपन होगा मैं लाजमी आपको ज़्यारत करवाऊँगा अंदर की। लेकिन अब इसके साथ साथ आए, मैं ज़रा आपको और दिखाता हूँ, मज़ार अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो आए मैं आपको और भी हाँ जी आए तो मैं आपको एक और दरगाह दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा सामने, ये एक छोटा सा दरवाज़ा है जहाँ ज़ाहिरीन आके ज़्यारत करते हैं, तवाफ़ करते हैं। आए मैं आपको ज़रा आगे से अंदर से भी दिखा,
तो व्यूवर्स ये देखें, ये जो ज़ाहिरीन आए दूसरे शहरों से, दूसरी जगहों से, ये हज़रत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी का शजराए नसब भी लिखा हुआ है ताकि आप सब सकून से। तो ये देखें कि ये मजलिस अज़ा हो रही है और सारे मोमिनीन ज़ाहिरीन यहाँ बैठे हैं, ज़िक्र सुन रहे हैं। आए मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मौला गाजी अब्बास का अलम है जहाँ पे ज़ाहिरीन आते हैं, तवाफ़ करते हैं। ये इन्होंने चारों तरफ से देखें, इसकी बाउंड्रीज़ वॉल हैं। ये बहुत ही पुरसकून जगह है जहाँ पे ज़ाहिरीन जुम्मा हफ्ता जब भी उनका दिल करे आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, दिए जलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपको सारी जगहें दिखा सकूँ, हर जगह की ज़्यारत करवा सकूँ। ये यहाँ पे ज़ाहिरीन आके तवाफ़ करते हैं, ये बहुत ही पुरसकून जगह है। आए मैं आपको और भी दिखा। नासिर शहीद की कब्र है। यहाँ ये देखें और भी कब्रें हैं जहाँ पे लोग आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। वो सामने एक और आस्ताना है लेकिन वो इस वक्त कवर किया हुआ है, शायद लेडीज़ टाइमिंग है, इस वजह से लेडीज़ मजलिस भी हो रही है इधर सेपरेट, तो शायद इस वजह से ये बंद किया हुआ होगा। ये देखें, ये एक और मौला गाजी अब्बास का अलम है। ये सामने जामिया मस्जिद है, अभी आपको मस्जिद भी दिखाता हूँ। आए ज़रा आपको। तो सबने देखा ही है कि यहाँ पे मजलिस हो रही है, इसलिए मैंने अपना व्लॉग डॉक्यूमेंट्री में बदल दिया है। मैं इनके बारे में आपको साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि उस ज़ात का जिक्र हो रहा है तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर व्लॉग बना सकूँ या बार बार मतलब कैमरा ओपन कर सकूँ, इसलिए मैंने अपना व्लॉग डॉक्यूमेंट्री में बदल दिया है। लेकिन मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। आइए आपको और दिखाता हूँ। घर की तरफ वापस, तो सब ने ज़ियारत कर ली शाह शम्स तबरेज़ की। यहाँ पे मजलिस हो रही थी इसलिए मैंने अपने व्लॉग को डॉक्यूमेंट्री में बदल दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी जगह जाके व्लॉग्स बनाऊं, तो गाइस प्लीज मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को जितने से जितना हो सकता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।